स्वाइन फ्लू का कहर बिलासपुर में जारी है। स्वाइन फ्लू से एक और महिला की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था और जिले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि कल एक अधेड़ की मौत हुई और आज एक बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। स्वाइन फ्लू के 144 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वाइन फ्लू के कुल इस वक्त 46 एक्टिव केस है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार स्वाइन फ्लू बिलासपुर में जानलेवा साबित हो रहा है। कल 6 लोगों की मौत हुई थी और अब आप देखिए आंकड़ा बढ़कर के 7 तक जा पहुंचा है। स्वाइन फ्लू के 144 मरीज सामने आ चुके हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक और मौत बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से, क्या कुछ इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पाई गई है? और जैसा कि कल हमने देखा था कि कल एक अधेड़ की मौत हुई थी, रायपुर के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, और सबसे बड़ी जो समस्या है कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि सोर्स क्या है स्वाइन फ्लू का, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह के कदम उठा रहा है? जितेंद्र, बिल्कुल, देखिए स्वाइन फ्लू को लेकर ये गंभीर स्थिति है। रोजाना यहाँ पर मरीजों की मौत हो रही है। कल भी जिस तरह से हमने बताया था कि एक अधेड़ की मौत हुई थी, उसके बाद फिर से एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में महिला का उपचार चल रहा था। जो स्थिति है, लगभग 144 मरीज स्वाइन फ्लू के अब तक सामने आ चुके हैं और सबसे गंभीर बात कि 46 से ज़्यादा केस स्वाइन फ्लू के एक्टिव हैं। अलग अलग अस्पतालों में तमाम मरीजों का उपचार चल रहा है और लगभग अगर कहें तो अब 7 मौतें यहां पर स्वाइन फ्लू से हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात जो लगातार हम ये जोर दे रहे हैं कि जिस तरह से मरीज सामने आ रहे हैं, इनके सोर्स का पता नहीं चल रहा है। अलग अलग क्षेत्रों से तमाम ये मरीज हैं, लेकिन जिस तरह से अब मरीज सामने आ रहे हैं, इससे एक बात साफ है कि शहरी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के मरीज चारों तरफ फैल चुके हैं। चाहे वो मोपका सरकंडा का क्षेत्र हो, जरहाभाटा का क्षेत्र हो, चकरभाटा का क्षेत्र हो, कोनी रतनपुर का क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में तमाम जगहों पर स्वाइन फ्लू के मरीज फैल चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी अब लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। मतलब साफ है कि चौतरफा यहां पर स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जरूर लगातार रोजाना मॉनिटरिंग कर रहा है। निजी अस्पतालों में जहाँ मरीज भर्ती हैं, उनसे रोज डे टू डे रिपोर्ट जो है वो लिया जा रहा है, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है, ट्रेवल हिस्ट्री खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कई मरीज इसमें ऐसे हैं जिनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। कई मरीज जरूर सामने आ रहे हैं जिनके परिवार में किसी को स्वाइन फ्लू हुआ, उसके बाद उनके परिवार के दूसरे सदस्य प्रभावित हुए हैं, लेकिन अधिकांश मरीज इसमें ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। नए मरीज हैं, अचानक उनका तबियत खराब होता है और जब वो जाँच कराते हैं तो पता चलता है कि उनको स्वाइन फ्लू है। तो ये गंभीर स्थिति है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, सोर्स ही नहीं पता चल पा रहा है, तो आखिर मौत के आंकड़ों को स्वास्थ्य विभाग रोकेगा कैसे? आप नजर बना के रखिएगा। उम्मीद यही कि अब स्वाइन फ्लू से और मौतें बिलासपुर में ना हो। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।